A very warm good morning to all my dear student. In this video, I will explain page number 20 of chapter 10, Life Around Me. So let's see in your course book page number 20. Animals. Animals are also living things. यानी जो जानवर होते हैं वो भी living things होते हैं. यानी सजीव चीज होते हैं. Animals like lions and tigers are wild animals. जैसे जानवर शेर और चीता ये जंगली जानवर होते हैं. They are found in the forest. ये जंगल में पाए जाते हैं. चीता टाइगर लॉयन. I wonder, मुझे आश्चर्य है. Do you think animals can live under water? क्या तुम जानते हो या सोच सकते हो कि जानवर हैं वो पानी के अंदर रह सकते हैं. Animals like dog and cats are domestic animals. जानवर जैसे dog और cat ये domestic यानी घरेलू जानवर हैं. You can keep them as pets in your house. आप इन्हें अपने घर में एज ए पेट की तरह रख सकते हो. Cow, cat, dog, goat. These are all domestic animals. Animals are also very important for us. जानवर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. Some animals give us food like meat and milk. यानी कुछ जानवर जो हमें खाना देते हैं जैसे मीट और मिल्क. Some animals like sheep give us wool. कुछ जानवर जैसे sheep जो हमें wool देती है कपड़े के लिए. Some animals like horses help us travel to far away places. यानी कुछ जानवर जैसे घोड़ा जो हमारी यात्रा करने में और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में हमारी सहायता करते हैं. Some animals like dogs guard our house. कुछ जानवर जैसे डॉग हमारे घर की सुरक्षा करता है. Some animals like elephants help us carry heavy objects. यानी कुछ जानवर जैसे हाथी जो भारी सामान ढोने में हमारी मदद करते हैं. Let's say third, Ravi's mother showed him two charts. यानी रवि की माँ रवि को दो चार्ट दिखाती है. Here they are. यहाँ पर दो चार्ट दिए हुए हैं. एक में आपको एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, दूसरे चार्ट में सारे प्लांट्स हैं. What is shown in the two charts? इन दोनों चार्ट में क्या दिखाया है? Put a tick for the correct स्टेटमेंट. यानी उस स्टेटमेंट को आपको टिक करना है जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट है. यानी सही चीज़ें जिस सेंटेंस में बताई हैं उसमें आपको टिक करना. ए नंबर में दिया हुआ चार्ट ए में एनिमल्स और चार्ट बी में प्लांट्स है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट में दिया हुआ है चार्ट ए में दिया हुआ लिविंग थिंग्स, बी चार्ट में दिया नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये रॉन्ग. नेक्स्ट चार्ट ए प्लांट्स एंड चार्ट बी लिविंग थिंग्स. This statement is also incorrect. ये भी incorrect है तो इसमें हम cross करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे. Next sentence दिया है chart A में animals हैं, chart B में living things हैं. This statement is correct. Should we put tick in the box? Non living things यानी निर्जीव वस्तुएं. ये जो वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती है उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, non living things. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. यानी निर्जीव चीज़ें सांस नहीं ले सकती हैं. डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन. निर्जीव चीज़ें खुद से नहीं चल सकती हैं. डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस. यानी जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं. डू नॉट ईट फूड. जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो खाना नहीं खाती हैं. डू नॉट ग्रो ऑन देयर ओन. यानी जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वो खुद से नहीं बढ़ती हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन मैन मेड थिंग्स. यानी जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई होती हैं उन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाई अस. कुछ निर्जीव चीज़ें हमारे द्वारा बनाई होती हैं. दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. उन चीज़ों को हम इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ कहते हैं. पेंसिल शूज एंड बुक्स आर मैन मेड थिंग्स. जैसे ये सारी चीज़ें हैं यानी इंसान के द्वारा बनाई हुई हैं तो इन्हें हम कहेंगे मैन मेड थिंग्स. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स जो नेचर से हमें दी मिली हैं कुछ निर्जीव चीज़ें. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाई नेचर. कुछ निर्जीव चीज़ें प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं जैसे
स्टोन्स, द मून, द सन आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें नेचर के द्वारा बनाई हुई निर्जीव वस्तुएं हैं, इन्हें हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. नाउ वी रीड लेट्स साइड फोर, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट यस और नो इन द टेबल. इसमें आपको यस और नो लिखना है जो टेबल में दिया हुआ है. डॉग ग्रो करता है, यस. ईट, यस. ब्रीथ्स, यस. लिविंग थिंग, यस. प्लांट ग्रो, यस. ईट्स, नो. ब्रीथ्स, नो. लिविंग थिंग्स, यस. टेबल ग्रो, नो. ईट्स, नो. ब्रीथ्स, नो. लिविंग थिंग्स, नो. कार ग्रोज, नो. ईट्स, नो. ब्रीथ्स, नो. एंड लिविंग थिंग्स, नो. नाउ आई विल एक्सप्लेन पेज नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, पुट अ टिक मार्क ऑन द देम. यानी यहाँ पर आपको जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें आपको टिक करना है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में प्लांट, ट्री, कॉकरोच, मून, तो यहाँ पर मून पर टिक करेंगे. नेक्स्ट में टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है, इस पर टिक करेंगे. फिश, कैट, गर्ल, ये लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे लॉइन, बटरफ्लाई, हॉर्स, बुक्स, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे बुक. आंसर द फॉलोइंग इन द नोटबुक, यहाँ पर आपको आंसर नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन टू रीजन्स वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. यानी यहाँ पर आपको दो रीजन देने हैं कि प्लांट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं. तो प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, प्लांट गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट. यानी पेड़ पौधे हमें ताज़ी हवा सांस लेने के लिए देते हैं और पेड़ पौधे हमें फल और सब्जी खाने के लिए देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. यानी इसमें आपको जो इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं और जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या अंतर है. आंसर में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय अस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. यानी जो हमारे द्वारा बनाई हुई होती हैं उन्हें हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर गिवन बाय द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. यानी जो नेचर से हमें मिलती हैं नॉन लिविंग थिंग्स उन्हें हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. लेट्स रिमेंबर द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ग्रो, मूव, ईट एंड गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. यानी लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो सांस ले सकती हैं, बढ़ सकती हैं, चल सकती हैं, खा सकती हैं और अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव एंड ईट ऑन देयर ऑन. जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो खुद से सांस नहीं ले सकती हैं, ना वो चल सकती हैं, ना वो खा सकती हैं. थिंग्स लाइक स्टोन्स, वाटर एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाई नेचर. ये चीज़ें जैसे पत्थर, पानी, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. थिंग्स लाइक पेंस, बुक्स, शूज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. यानी ये चीज़ें जैसे पेन, बुक्स, शूज, ये सारी आदमियों के द्वारा बनाई हुई निर्जीव वस्तुएं हैं. प्लांट गिव अस फूड, शेल्टर एंड एयर टू ब्रीथ. यानी जो पेड़ पौधे होते हैं हमें खाना देते हैं, सरड देते हैं, सांस लेने के लिए हवा देते हैं. डियर स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे. नाउ कंप्लीट योर टुडेज वर्क इन कोर्स बुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.